हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, एक ख़राब चीज़ हुई है हमारे साथ और उसकी वजह से हमारे वीडियोस डालने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमें, क्योंकि मेरा जो मैकबुक है वो ख़राब हो गया और इट्स नॉट वर्किंग। ऐसा काफ़ी टाइम से हो रहा है, मतलब एक दो हफ्ते से ऐसा हो रहा है। आई थिंक 3 वीक्स हो गए कि वो चल नहीं रहा ठीक से। हमें काफ़ी टाइम उसका वो प्रेस करना पड़ रहा है, जो ऑन वाला बटन है, पावर वाला बटन है, और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बट अभी तो बिल्कुल ही शट डाउन हो गया, मतलब बिल्कुल ही काम करना बंद हो गया। तो अभी हम लोग उसको ही ठीक करवाने के लिए, एक्चुअली मेरे भाई का जैसे आईफोन का एक जान पहचान का है, तो उसी से वो ठीक करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए आप लोग भी हमारे साथ। अरे अभी हाय बोल दो। तो फिलहाल तो हम लोग मिनी का जो लैपटॉप है उसमें अपना एडिटिंग कर रहे हैं, बट दूसरे के लैपटॉप में इतना अच्छे से एडिटिंग हो नहीं पाता है, हम लोग यूज़ टू नहीं है उसके। सो उसमें बहुत ही स्लो एडिटिंग हो रहा है हमसे। एक तो समझने में भी एक होता है ना कि लर्निंग कर्व होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, और वैसे भी स्लो एडिटिंग हो रही है तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। होपफुली जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा। एक्चुअली भानु ने ऑलरेडी बात कर ली है, जिससे मेरा आईफोन का स्क्रीन ठीक करवाया था उससे ऑलरेडी बात कर चुकी है। तो होपफुली जब तक हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे तो वो आ जाएगा मैकेनिक जो ठीक करने वाले होते हैं ये एप्पल की। आज संडे है और संडे को ट्रैफिक काफ़ी कम मिलता है, यूजुअली भी कम मिलता है, और अभी तो खैर कोरोना चल रहा है तो बहुत ही कम ट्रैफिक है, रोड्स खाली पड़ी हैं। आज गर्मी काफ़ी हो रखी है और मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने ये शॉल ले रखा था, सो आई जस्ट टुक इट ऑफ, क्योंकि घर में एक्चुअली हमारे घर में वहाँ पे बाहर आसपास काफ़ी ग्रीनरी भी और घर में काफ़ी ठंड सी रहती है। मे बी ग्रेनाइट वगैरह ठंडा रहता है, आई डोंट नो, बट बाहर आके पता चल रहा है गर्मी का। एक अच्छी बात है कि अगर जैसे हमारा मैकबुक शट डाउन भी हुआ है तो हम लोग हर चीज़ का बैकअप रखते हैं। वो एक्चुअली विनय ने ही मुझे सिखाया कि वो हर चीज़ का, सारी हमारी जो वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, और अगर हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं कुछ भी मैकबुक में तो वो उसका हम लोग पहले बैकअप रखते हैं। तो वो इतना इसलिए हमें इश्यू नहीं हो रहा है कि हम लोग दूसरे उसमें लैपटॉप में भी एडिट कर पा रहे हैं, नहीं तो काफ़ी, जैसे मेरी पहले आदत थी कि मैं अगर ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो फिर मैं इरेज कर देती थी मेमोरी कार्ड वगैरह से, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो दूसरे लैपटॉप पर हम लोग कर पा रहे हैं क्योंकि एवरी जो सारी वीडियोज़ हमारे पास हैं ऑलरेडी। याद दिलाना, याद से डीजल भरवाना, दो बार से रह गए। ओके, पेट्रोल भरवाना अभी। ओ, हमारी डीजल की गाड़ी है तो डीजल भरवाना है। ऐसा आदत में आ चुकी ना हम लोग, पेट्रोल 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 ही है। ये देखो गंडू बेबी, ये खाना खाने के तुरंत बाद सो गया था और इसके यहाँ पे थोड़ा बहुत लगा हुआ है देखना, और हम वैसे उठा ले बेचारी। और अभी क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर ही जा रही हूँ ठीक करवाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे उठा लिया। एक्चुअली सो रहा था वो, पर हमारे घर कोई आए हुए थे तो उन लोगों ने मतलब बात किया तो फिर ये उठ भी गया तुरंत की तरह। अभी इसका सनलाइट पड़ रही है, कर देते बस हो गया, ऐसे मोड़ रहा है। चेक कर दो। मेरे धार्मिक निकले आप तो बेटा। अभी भी चेक कर रहा, देखे जा रहा हनुमान जी को, जय कर देता। वेरी गुड डे, वेरी गुड। फ्रेंड्स पहुंच गए, भानु आया। हेलो। तो चलिए अब चलते हैं, आते ही यहाँ पे एक्साइटेड हो गया और स्कूटी स्कूटी बोल रहा है। और सामान, ये रहा हमारा मैकबुक जिसके लिए आना हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ किचन में और ये देखिए यहाँ पे ये बन रहे हैं पकौड़े। ये किस चीज़ के? पोहा, पोहे के, चिवड़े के। पोहे के पकौड़े बन रहे हैं ये, पोहा, पालक, मेथी। अच्छा। और बेसन और पालक पनीर बन रहा है। पालक पनीर मैंने मीठा कुछ नहीं बनाया तुम्हारे लिए। स्पेशल कुछ बनाया मैंने, पोहा और उसका मिला के समथिंग।
नॉर्मल ड्रग्स की जगह ये सुशांत को भी पकड़ लेता है। मम्मी फेंट के बनाती है ना तो मुझे कॉफी सही लगती है, वो जो फ्रॉथ होता है ना उसका, फ्रॉथी वाली। क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? ये है बैंगन। ओके, तो आप बैंगन को आपने तला है? हाँ, तला नहीं, वैसे तवे पे किया है। हाँ, नहीं, नमक और हल्दी बस। बस ये क्या चीज है? टमाटर की चटनी? नहीं नहीं, ये मसाला है। ये सब्जी है क्या? हाँ, ये मतलब रोटी के साथ ही खाना है। उसके दही की कोटिंग बस है, एक और लेयर, फिर ऊपर से तिल का छौंक लगाना है। ये है क्या चीज? ये वो हैदराबादी बैंगन का एक बने नया वो देखा था किसी का। मुझे अच्छा लगा जब मैं कर्ड दिखाने की कोशिश करती थी, ऐसा लगता वाइट सब। सारी जीवें बाहर आ चुकी हैं। हम लोग बस देखते रहते हैं, हम बचपन से ऐसी करते हैं। मम्मी बकेट 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 बाल्टी चाहिए। दही के ऊपर फिर से बैंगन लगा दिया, फिर से चटनी। चटनी नहीं है, ओ सॉरी, मसाला मसाला। तो देखिए यहाँ पे दामाद जी के लिए क्या क्या बनता रहता है, मतलब सही में मैंने भी नहीं करी, मेरे को मेरा उसके लिए बनाने का मन करता। हमारे लिए इतना नहीं, बिकॉज विनय इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फूड, लाइक अच्छा इस टाइप का होना चाहिए, तो सही जमती है यहाँ पे। यहाँ पे आरू ने क्या बनाया, ये रेल जहाँ पे भी ज्यादा चीजों की एकदम वो लाइन लाइन। मासी को बोलो आ जाओ, मासी को बोलो आ जाओ, आओ आओ बोलो, मासी आ जाओ, आओ बाहर आओ, चलो आ जाओ। अच्छा ऐसे हैंड पकड़ के आ जाओ। चूटियां मार रहा, क्या करना है इसका? वहां पे चढ़ के बैठ जाओ, फिर क्या करना है उसके बाद? फिर अभी वो देखो वहां पे दुनिया भर की चीजें। अभी क्या करना है? ये सारी इसने ऊपर खिलौने लगवाया, ये नहीं आई क्या? और कुछ नहीं डालना ना, तो वो ऊपर चढ़ाए अपने खिलौने ऊपर रखने के लिए। बस चलो बस पैर नहीं लग रहे, नहीं तो खुद ही चला देता हमने। पैर ऐसे ऐसे जा रहे हैं। बस बस थोड़ी सी अच्छी नहीं है गाड़ी इधर, बढ़िया नहीं है। तो फ्रेंड्स डिनर का टाइम हो गया एंड डिनर इज रेडी, तो आपको दिखाती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है। ये है राजमा, ये कुछ बैंगन, हैदराबादी बैंगन है, ये पालक पनीर है, और ये है बेसन का हलवा, क्वाइट हॉट इन अ हॉट डिश, और ये तो खैर सैलेड है। ये है जीरा राइस, वेरी नाइस, फर्स्ट टाइम ही खा रहा हूं मैं तो। ये कौन सी? ये क्या है? बैंगन, बैंगन वाली। फ्रेंड्स तो हमने भी डिनर करना शुरू कर दिया, और विनय के चलते हमें भी इतने सारे पकवान एक साथ खाने के लिए मिल जाते हैं। ये टेस्ट करते हैं पहले, मुझे बैंगन वैसे पसंद नहीं है, पर इसमें बैंगन अच्छा लग रहा है, नाइस। फ्रेंड्स तो अभी घर जाने का टाइम हो गया, हम लोग जा रहे हैं, तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आरू को तो नानू जो है ना वो किसी से और बात करने का मौका ही नहीं देते हैं भाई, हम लोग तो पीछे रह जाते।
गौर से देखो इसको। आरू आओ मम्मा के पास आओ। मैं अच्छा वो देखने। आरू पकड़ो, आरू को पकड़ो। बाय आरू, बाय बाय। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे एक थम्स अप देना, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा जो है गणपति का, गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन। तो हम लोगों ने खूब मजा किया था उस दिन। आई विल सी यू इन दैट वीडियो। बाय।